को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत अहभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र। कल के चल रहे विषय पर आज फिर हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। ये चल रहा है श्री गीता जी के बारे में अध्याय का 19वां श्लोक और सिद्ध पुरुषों के आदर्श गुण, और ये गुण है संतुष्टा येन केंचित। 19वां श्लोक संतुष्टा संतोष से बनता है, संतुष्ट संतोष से संतुष्ट, एवर सेटिस्फाइड एवर, जी हां, हर समय हर जगह हर रूप में हर परिस्थिति में। कहना कितना आसान है ये, और इससे बढ़ के मेरी देवियों सज्जनों हमारे अपने वैदिक धर्म के अनुसार उच्च कोटि की मनुष्य की अवस्था ही नहीं हो सकती। जैसे आप सब जानती हैं, जर्रे जर्रे का विकास हो रहा है। विकास का देवी सज्जनों मतलब होता है प्रगति, प्रोग्रेस, अच्छा इंक्रीजिंग। हर चीज प्रकृति की आगे बढ़ रही है, आगे अच्छी अच्छे अर्थ में, बुरे अर्थ में नहीं। एक जिसको हम दुराचारी लंपट गंदा चोर उचक्का कहती है, वो भी ये कर करके आखिर तरक्की कर जाएगा, तंग आ जाएगा, जलील हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नाना प्रकार के कष्टों का ना चाहने पर उसे मुकाबला करने पड़ेगा। प्रकृति उसे कानों को हाथ लगवाएगी, गिन गिन के नाक से लकीरें खिंचवाकर रास्ते भी ले आएगी और उसके मुंह से करवाएगी, बच्चू बोल बोल बच्चू, क्या बोलू बोल। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। हर एक इंसान ने भगवान के बनाए हुए शुभ मार्ग पे आना है, क्योंकि भगवान ने मेरी और आपके लिए तो इस समय कहा। वैसे भगवान का यह फरमान आलमगीर है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। हर समय हर इंसान कभी ना कभी इन शब्दों की, क्या इस आदेश की, इस उपदेश की कदर करेगा। सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पना। हर एक पे लागू होगा, चाहे 10 जन्मों बाद चाहे 100 जन्मों बाद। मनुष्य रूप में जो भी आएंगे हर एक पे ये लागू होने वाला। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज। जब मनमानी कर 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 करके इंसान बहुत दुखी जाएगा, आखिर तो हर बात की हर स्वभाव की सीमा होती है। जब भी किसी ने सीमा का उल्लंघन किया, प्रकृति ने गर्दन से पकड़ लिया। अब और करना है नहीं, अब क्या करेगा, नेक बनूंगा, अच्छा बनूंगा। हमारे पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं, नारियों की भी आती हैं जो रास्ता छोड़ गई थी, मनमानी कर रही थी। नरों की तो बहुत ही आती हैं जो मनमानी करके जनता के लिए तबाही मचा रहे थे। पलटे तो ऐसे पलटे जैसे बिल्वा मंगल है, चिंतामणि वेश्या है, और भर्तृहरि की घरवाली, ओहो क्या थे और क्या हो गए। विवेकानंद आजकल के में मॉडर्न में नास्तिक आस्तिक है, परंतु एक बार तो मुंह में उंगली चली जाती है और हैरान होती रहती है कि क्या थे क्या बन गए। यानी प्यार तो करते थे अमावस्या के साथ, और प्रकृति ने ऐसा इंकलाब लाया कि पूर्णमासी के अंदर चमक उठे, पूर्णिमा बन गए, अमावस्या से पूर्णिमा।
प्रकृति का नियम है, जर्रे जर्रे को प्रकृति यह पाठ पढ़ा रही है। स्वामी जी कहा करते थे क्या, एडवांस और पेरिश, बढ़ो या मरो। जरा जरा भी एक घास का तिनका भी इनकार करता कि मैंने बढ़ना नहीं, तो आपके पैरों द्वारा प्रकृति कुचल देगी, तोड़ देगी, किसी गैया के मुंह में डाल देगी, किसी पशु के मुंह में डाल देगी, किसी बकरी के मुंह में डाल देगी। है बढ़ो या मरो, जरा जरा यही पाठ पढ़ रहा है। या तो वृक्ष की टहनी बढ़े या सूख जाएगी, कुल्हाड़े से काट दी जाएगी। अगर यहां नहीं तरक्की करती चलो फिर अग्नि के अंदर किसी की कच्चे आटे को तो पका दे। वाह, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लॉ चारों ओर चल रहा है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का नियम, विकास का मतलब युति बेटे प्रगति करना, प्रगति करना, आगे बढ़ चलना। जैसे ये अंक प्रगति कर रही है, दो तीन चार पांच, ये इसे बोलते हैं प्रगति। और आगे और आगे और आगे, आठ नौ दस ग्यारह, इस तरह जैसे आपके आपने बच्चे पाले हैं तो बच्चा हर रोज प्रगति करता गया। और क्षमा करना, जिस बच्चे ने प्रगति नहीं की मर गया, उसका सिर प्रगति करे, उसके कान प्रगति करे, उसकी गाले जरा मोटी मोटी हो जाए, उसका नाक जरा फूलने लग जाए, उनके हाथों में ताकत आए, उनकी उंगलियों में खून संचारित हो, हर जगह यही उसके एक एक अंग फैले, नहीं तो बस नहीं फैलना चाहता, मौत। मौत कहती ठीक है इसको छोड़ पड़े, मैं तुझे और नया दूंगी, और नया करूंगा। शाबाश, आपने फ्राक सिलाई, हाँ आप दर्जी के पास उस दिन गए, आप उस कमरे में चली जाओ और पहन के देखो, शीशे लगे हुए देख लो, आप पहन के आई, ये तो आपको नहीं है, ये तो मैं तो ये तो दिखाने आई, ये साइज क्या है, छोड़ दो आप, आपका नाप कहां था, मेरे नाप का नंबर 18 है कापी में, 18 नंबर, ये तो कोई और नाप है। कोई बात नहीं, कोई मेरे से चलाकी कर गया, कोई कपड़े उठा के ले गया, आपने कपड़ा कहां से लिया था, फला दुकान से, रंग क्या था, ये मैं और ले आता हूं। अब आप कल आके देखिए, दोपहर को ले जाइए, पहले मैं यही काम करूंगा। प्रकृति भी ऐसा कर रही है, जिस किसी के शरीर ने आगे बढ़ने से इनकार किया, हां प्रकृति ने एक किक मार के उसको बदल दिया। इसको बोलते हैं विकासवाद। पढ़ना ये चैप्टर, विकासवाद का नियम, जो मैं कहा करता हूं आप जरूर पढ़ा, रिकमेंड करूं आप पढ़ाओ। विकासवाद का नियम क्या है, विकासवाद क्या कहता है, प्रकृति के जरे जरे को आगे बढ़ना चाहिए। अब हम लोग भी प्रकृति का एक अंश है, वी आर सर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर, हमें बढ़ना चाहिए। किस चीज को, हमारी बुद्धि को बढ़ना चाहिए। अगर संसार के इरादे करता है, अलग रजोगुणी इरादे करता होगा, पहले तमोगुणी इरादे करता होगा, रजोगुणी इरादे पे आया, अब सत्वगुणी इरादे करे, ध्यान देना, इसे बोलते हैं विकासवाद। पहले तमोगुण के इरादे किए, गंदा खाना, गंदा पहनना, करेक्टर बर्बाद, गंदे नंगे मनंगे कपड़े पहनते रहना, अपने जिस्म को नंगा, ये होती है तमोगुणी। फिर आगे रजोगुण आए, कुछ किया, कुछ बड़े, कुछ लगे, कुछ ये कर, कुछ वो कर, वरना तो चारपाई तोड़ती रहती थी, पलंग तोड़ती रहती थी, या कोच पे बैठे रहना और कुछ पढ़ना, कुछ सोना, कुछ ये। अब सतगुण में आ गई, अब प्रकृति आपके सारी पिछली कमी पूरी करवा रही है। अब ध्यान है, जाप है, भजन है, सिमरन है, अंदर लगन है, अरे आगे मेरी थोड़ी रह गई, पता नहीं कब बिगड़ बन जाना है मौत का, मैं कुछ कर लूं, मैं पश्चाताप लेके ना जाऊं। नारी का चोला, उम्र भी आपकी बड़ी हो चुकी है, जवानों की तरह जुटती है, मौका भी देती श्रीमान को, श्रीमान की माँ को, श्रीमान की बहू को, श्रीमान की बहू नहीं, श्रीमान की जो है रिश्तेदार जो और रहते हैं, किसी को मौका नहीं दिया आपने, अब जुटे रहते हैं कितनी ज्यादा। अब आप देख लो कितने आप लग गए हैं, सत्वगुण में तो कमाल जो है, सत्वगुण में बेचारे को डेवलपमेंट करनी पड़ती है, कैसी लोक भी रखता है और परलोक भी रखता है, आपको दोनों रखने पड़ती है। बड़ी हैरानगी की बात मेरी देवी, सत्वगुण को डबल मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जिनके गरीब घराना है, मैं ऐसे कई लड़कियों को लड़कों को जानता हूं, गरीब घराना है लेकिन उन्नति करना चाहती हैं, तो क्या उधर कमा के आती हैं, शाम को पढ़ने जाती है, वाह अर्निंग, फिर शाम को लर्निंग। खासकर जहां यूनिवर्सिटियां है, अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अपने पंजाब यूनिवर्सिटी, सारा दिन तो कमाएंगे 2:30-3 बजे तक, शाम को क्लासेज लगती है, वाह यहां भी ऐसे है, शाम को ट्यूशन रखी हुई है, तो उधर माँ बाप पर बोझ भी नहीं बने और साथ कर, आपका भी यही हाल है, अर्निंग लर्निंग, या लर्न हो रहे हैं वह अर्न करते हैं, आप दुकानदार हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, सर्विस में हैं, ये लर्निंग हो रही है बेटी, ये परमार्थ की लर्निंग है, और वो आप लोग बनाते कमाते हैं।
मेरे भगवान बड़े खुश होते हैं आपको देखकर कि इधर सिर खपाई आती है, इधर परमार्थ बनाई जा रही है। फिर नारी की चोली में आप जल्दी थक जाती है, भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है, अंग ऐसे बनाए हैं, जल्दी थक जाएंगी। खून का संचार आप में और नर में बड़ा अंतर है आपके संचार में। फिर आप मां बनी है, आपके जिसे में से काफी कुछ बेटों ने ले लिया है, फिर आप परमार्थ भी बना रही है। वाह, बच्चे काफी ले जाती है अपनी मां का हिस्सा अंदर से, काफी बच्चे तब बच्चा पलता। फिर आप परमार्थ, परमार्थ बनते कब है? एकाग्रता लानी, पवित्रता लानी, अपने रात को नींद कम लेनी, कुछ भूख रख लेनी, हाय हाय, बलिदान ही बलिदान है इस मार्ग में, याद रखना, बलिदान ही बलिदान, मतलब सेक्रीफाइस, मतलब कुर्बानी, कुर्बानी। जो व्यक्ति कुर्बानी से डरा, प्रकृति ने कान पकड़ करके मेरे भगवान ने आपको सत्संग से निकाल दिया। जो भी कुर्बानी से डरेगा इस मार्ग में, तो कुर्बानी कुर्बानी है और डबल मेहनत है। मैं बधाई दूंगा, भगवान आपकी बड़े तरीके से विकास कर रहे हैं, बुद्धि का विकास हो रहा है, मन के विचार ऊंचे चले जा रहे, पहले विचार गंदे थे, राग द्वेष पूर्ण विचार, हाँ अब आपके कर्म भी अच्छे होते जा रहे हैं। कितने अच्छे आपके कर्म बनते जा रहे, कितने अच्छे कर्म, कितने एक अच्छे ढंग से मेरी देवी और मेरे सज्जन रह रही है, बहुत अच्छे तरीके से। पुरानी संगत आपकी छूटती जा रही है, पुराने व्यवहार छूटता जा रहा है, पुराना इतमार छूटता जा रहा है, पुराने रिश्ते नाते छूटते जा रहे हैं, पुराने रस्म रिवाज, भाई रे क्या क्या नहीं आपसे छूट रहा, सब भागते जा रही है। पुराना खाना पीना आपका छूट गया, पुराने कपड़े कुपड़े आपके छूट गए, ये सब आप त्याग करती जा रही है और मेरे भगवान बड़े खुश होते जा रहे हैं। इसे बोलते हैं विकास बात, और हरेक का होना है। अगर कोई इनकार करेगा तो मैंने अभी कहा पैरिश मृत्यु, इसलिए हंस हंस के विकास करो अपना, बुद्धि में एक इरादा रखना, पवित्र हो जाओगे बड़ी जल्दी, इस बारे में तरक्की कर जाओ। जैसे मेरी बेटी बस शादी कर ले, उसके बाद संतुष्ट हो जाए अपने पति में, बस यही मेरा देवता है, यही मेरे भगवान है, कोई मेरी नजरों से देखे कि आप क्या है, मेरी परमेश्वर है आप तो, और उधर वो कहे कोई मेरी नजरों से देखे आप क्या है, आप तो मेरी लक्ष्मी है, आप तो बस मेरे लिए सब कुछ है, संतोष जिंदगी भर में, ये एक इरादा चल संतुष्ट हो गए। आओ, बहुत चोटी का ये विषय भगवान जी ने छेड़ दिया है। इसके बाद हमारे वैदिक धर्म के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, ये जो अवस्था बन गई, जो मिल जाए लेकर वही, ऐसी शानदार अवस्था, बुद्धि में एक ही इरादा है भगवान की भक्ति का, और आप इरादा नहीं कर सकते बेटे, बेटे अब आपसे इरादा नहीं हो, क्योंकि ये विकासवाद की अंतिम सीढ़ी का डंडा है, सीढ़ी का अंतिम डंडा, ध्यान देते रहिए बड़े एकाग्रता से। जो विकासवाद हो रहा है इसके कई डंडे हैं ना, सीढ़ी एक बहुत लंबी चौड़ी है, मानिए उसके 22 डंडे हैं सीढ़ी के, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड, ये तो अब ये जो चर्चा भगवान आप चला रही है ये आखिरी डंडा है विकासवाद की सीढ़ी का। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भगवान में तल्लीनता, इसके बाद हाँ क्या होता है, यही गए मकामी, भगवान के दर्शन से पहले ये अवस्था बनती है, याद रखिए मेरी देवियों। इसके बाद छुट्टी, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, आपने बीए वहीं किया, एमए किया, पीएचडी किया, इसके बाद अगले कहेंगे छोट हॉस्टल छोड़ो, कोई और भी लड़के उन्होंने बस पीएचडी के बाद और कोई क्लासेस नहीं होती यूनिवर्सिटी में, बाहर निकलो। अच्छा तो इसके बाद क्या होगा, भगवान करे बस मेरी साथ में समा जा। ये जो अवस्था भगवान चला है, संतुष्टा येन केन चित, हर हाल में खुश है, हर परिस्थिति में खुश है, हर रूप में खुश है, हाय हर सूरत में खुश है, हर सीरत में खुश है, हर रूप में उसने अपने आप को खुश रखा हुआ है, हर रूप में बड़े। इसके बाद तो मैंने कह दिया भगवान की जात में तलीन, जब शीश छूटेगा फिर नहीं आप गर्भ में गिरेंगे ना, प्रकृति की मजाल नहीं कि आपकी ओर जन्म देने के नाते से देखे, क्योंकि अंतकरण तो निर्मल हो गया, अंतकरण में कोई अरमान नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बिल्कुल आजाद, दी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं। तो आप फिर क्या बोलती हैं, फर्श सारे पूरे, दी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, यही ना कोई दी बैठी है शादी करने योग, ना कोई पुत्र बैठा है किसी, ना अपनी दी बैठी है किसी को दे ए जी, और ना अपना पुत्र बैठा है किसी की दी ले। प्रकृति ने चक्कर देखो कैसे चला रखा, आपके लड़के हैं, कईयों की लड़कियां हैं, ये लेने देने का चक्कर चला हुआ है, पर आपकी तो ना कोई धीर रहा ना पुत्र रहा, सबके फर्ज पूरे हो गए, तो आप खुद भगवान बुलाते हैं, गंगा नहा बैठे जी हम तो,
शुक्र होगा जी अब तो गंगा ना बैठा, तो फारग हो गए। फारग जाने के बाद प्रायः हमारे हिंदू धर्म के अंदर जी भगवान का भजन करते, बल्कि खुद आपको अपनी बहुत ताना मारती है, मां जी सत्संग में गए करो ना बेटी, मैं बुढ़ी खुसुड्डी और देखो ना बस सत्संग दी भी बस आती है। हाँ एक देखो सही बार अच्छा तो मैं जाऊंगी, खुद अगले ताने मारती है, खुद आपका पुत्र आपको तर पिताजी क्या करते रहते हो आप यहां पर, हाँ सत्संग में ईशा अच्छे बेटे जरूर, ये क्या कभी मुन्नी मेरी पकड़ लेते हो, कभी मेरे मुन्ना पकड़ लेते हो, आपको क्या पड़ी, ये जाने इसकी माँ जाने आप सत्संग किया करें, पिछली उम्र है आप भजन किया करें, अच्छे मेरे बेटे जरूर देख लीजिए, ये आपका पुत्र नहीं कहता, पुत्र में छिपा हुआ आपका भगवान कहता है, ये भगवान बोल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी आयु तबाह कर रहा हूं, शाबाश आइए। वैसे हमारा शास्त्र कहता है बताऊं आपको, बाल हो जाए सफेद फिर भी आप कमाने में लगी हो, फिर भी आप रसोई में लगी पड़ी हो, फिर भी कोई घर के धंधे कर रही हो, सुनो मेरी बात, बाल हो जाए सफेद मेरी तरह और फिर संसार के धंधे कर रही हूं, उसको ताना लगता है क्या 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 क्या, जो बूढ़े ने मेहंदी लगाई तो क्या बूढ़ा फिर जवान बने जा रहा है, फिर कमाने कमाने में लगे होकर के फिर कहीं अपने मोह ले रहा है, हाँ जो बूढ़े ने दौलत कमाई तो क्या, हाँ ये शब्द है, जो बूढ़े ने दौलत कपूरी फिर लग गई इधर उधर काम करने में, जो बूढ़े ने दौलत कमाई तो क्या, जो मुर्दे ने मेहंदी लगाई तो क्या, अपने आप पे भी सिवाय भगवान के भजन के हिंदुस्तान में रहने वाले को शोभा ही नहीं देता कि ना, ये हमारे विकासवाद का अंतिम आपकी स्टेज है, दिस इज लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम स्टेज, में तीन शब्द बोल रहा हूं, लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम स्टेज, अपनी भाषा में कहेंगे उत्कृष्ट अवस्था, उत्कृष्ट ये चरम सीमा है विकासवाद की। भगवान कह रही है संतुष्ट, वो संतुष्ट रहती है। आमतौर पर जहान में हम क्या देखते हैं मेरी दिव्यों में, फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा एकाग्र रहना, आमतौर पर क्या है मरने के एक घंटे पहले तक जीव आश्रय लिए रहता है, आश्रित जीवन है, आश्रित जीवन, डिपेंडेंट लाइफ, डिपेंडेंट लाइफ, अपने शरीर के लिए डिपेंड करना, अपनी खुशी के लिए डिपेंड करना, एक घंटा पहले तक जीव डिपेंड करता है, ये तो आप हजारों में देखेंगे अपनी खुशी के लिए डिपेंड करते हैं, भरोसा करते हैं, वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकते। जरा मेरे भी दो कान ले लो और चार कानों से आज सुनना, क्या जी हां, आम आप इंसान देखे अपनी खुशी के लिए डिपेंड कर रहे हैं, यानी दूसरा पर भरोसा ले रही है, वो कभी भी भगवान का भजन नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे, धर्मस्थानों में नहीं जाएंगे, अगर किसी के मुंह मुलाजा चले भी गए वह दिल नहीं लगेगा, वह नींद आएगी, मुंह में से लारे निकलेंगी, यूं यूं करते रहेंगे, यूं यूं करते रहेंगे, रामायण शुरू में यही से होती है, आवत नींद जुड़ाई गोई, आवत नींद जुड़ाई गोई, अगर वो सत्संग में किसी कहने पर आ भी गए तो आवत नींद जुड़ाई हुई, उन्हें नींद का ज्यादा लगेगा, उनका मन जो नहीं लगना, नींद के सत्संग सुनना था मन ने, मन को ये बातें अच्छी लगती तो क्या होगा, मन फिर दूसरी लाइन में निकल जाएगा ऊंघने में, या इधर लगता सुनने में या ऊंघने, ऊंघने का तो स्वभाव बना हुआ है, भगवान की वाणी के सुनने का स्वभाव बना ही नहीं, इसलिए भगवान रोकती है ऐसे को ना लाया करो, ऐसे को कभी ना कहा करो, ऐसे को तो सुनाना भी पाप, भगवान कहती है कि वाणी क्या अनादर होता है ना, उन्हें अभी कर लेने दो जो कुछ करते हैं, करके जरा भर ले, फिर जलील खराब होके फिर जाके, क्योंकि ये तो आखिरी जन्म है, फिर मैं कह रहा हूं विकासवाद की सीढ़ी का ये आखिरी डंडा है, क्या भगवान की ओर झुक जाना, क्या मतलब भगवान के झुकने का मतलब, सुनो मेरे से, हाय हमें तो बड़ी पिछली, आपको तो पिछली उम्र में जाके पता लगा है, भगवान के झुकने मतलब सिर्फ मंदिर में जाना नहीं, तीर्थों में जाना नहीं, या गुरुद्वारे में जाके वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह कह दिया और बात खत्म हो गई, नहीं, बल्कि क्या होता है अपने आप को उनके हवाले कर देना है, अपने आप को उनके हवाले कर देना, गीता की शुरुआत यहीं से होती है, ए मेरे गीता के पैरोकार देवियों सजनों, यहीं से होती है, तबीयत है कमजोर, दिल नर्म है,
मैंने मनमानी कर करके अपने आप को तबाह कर लिया, मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, बहुत मनमानी की, जो मेरे मन में आया मैंने लॉन्ग जंप ली और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है मेरे लिए बहुत ही गंदा पड़ा। अब मैं बहुत तंग आ गया, जलील आ गया, खराब हो गया, अब तबीयत है कमजोर, मुझे अपने पर विश्वास नहीं रहा, मेरी विल पावर बिल्कुल कमजोर हो गई है, विल पावर या कुव्वत इरादगी या संकल्प शक्ति नहीं रही। जिसकी संकल्प शक्ति ना रहे मानो उस इंसान की अगली पिछली ब्रेक फेल हो गई। हमारी अगली पिछली ब्रेक कौन सी है? कमान फौरन जवाब दिया करो, चक्कर मार दिया करो, हमारी अगली पिछली ब्रेक कौन सी है? ये अगली पिछली ब्रेक है भाई, पिछली ब्रेक बुद्धि है, अगली ब्रेक तो मन है। बेटे बड़ी देर लगाती हो तो रोज सुन रहे हो, हमारी पिछली ब्रेक बुद्धि है, अगली ब्रेक हमारा मन है, हमारे विचार, और बुद्धि हमारा इरादा। अच्छा, आज के इंसान की अगली पिछली बुद्धि है ही नहीं, ब्रेक ही कोई नहीं, विदाउट मैन विदाउट ब्रेक। आज का मैन क्या है? मॉडर्न मैन एंड मॉडर्न गर्ल क्या है? विदाउट ब्रेक, जो मन में आता कर लेती है, जैसे लिख करता पहन लियो, जैसे लिख करता नखरे कर लो, जैसे लिख करता बाल कटवा के ये दो यूं आगे आगे मुसलमानों को रख लिए, जैसे आपके मन में आता है, मां बाप तो बोल ही नहीं सकता बेचारा, जैसे वो भी चलो भाई सुरमा डाला और जाकर गंदा पानी निकल जाना, पर सुबह लंबी लंबी लाइनें यूं निकालनी है, और मेरे रब्बा है व्हाट अ फन। फिर भिट्टे भी कटवा कटवा के पता नहीं दिल्ली में एक ले गया, एक कलकत्ते में ले गए। देखिए ये होता मनमानी करने में, आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। इतनी अंधाधुंध मार मेरे तोबा 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 तोबा, काली पेंसिलें मां ने पुत्र बनाई फिर दिया भाई, यूं काले भी रब ने या काला थोड़ा बड़ा, मैं और काली पेंसिल ले चलूंगी। ये होता है यानी आगे पीछे नहीं देखना, जो मन में आया कर लिया, जो मन में, इसे बोलते हैं विदाउट मैन विदाउट ब्रेक। मन में भी जो विचार आया कर लिया, बुद्धि में जो इरादा आ गया कर लिया, जो दिल किया तीन चार पांच सब्जियां खा ली, पता नहीं मैं अपनी सेहत बर्बाद कर रही हूं। इतने तत्व अंदर जाएंगे और अंदर तत्व इतने हजम नहीं होने, क्योंकि एक का कुछ और गुण है, दूसरे का और गुण है, तीन को इसलिए हमें कहा जाता आयुर्वेदिक में केवल दो सब्जियां होनी चाहिए, एक दाल एक सब्जी। अगर आप ज्यादा बनाए जाएंगे तो इसके ऊपर बोझ पड़ेगा आपके हाजमे पर, मुसीबत आ जाएगी इस बिचारे को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि अंदर सब सन्नी बन जाते, गुतावा बन जाते जो खाती है, फिर उसका एक एक तत्व निकालती है तो बड़ा भारी बोझ पड़ गया हमारे हाजमे पर है, पाचन शक्ति पर। बच्चे पाचन शक्ति पर कितना बोझ पड़ गया, कैसे? अगर आपके तीन चार बच्चे भगवान करे ना हो, एक बच्चा यहां बिठाना, एक बच्चा यहां बिठाना, एक बच्चा जांग पर, एक बच्चा फिर इस जांग पर, एक बच्चा बगल में लेना उठ, अब नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल उठना, इतने लेकर के उठो, यही हाल आजमे का होता है। कई चीजें खा पी करके फिर क्या होगा, ये बेचारा हार जाएगा, आपका हाजमा खराब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एक दो चीजें खा के बस, और नहीं ज्यादा खानी चाहिए। कमान तो मनमानी करने का परिणाम क्या होता है बेटे? दुख। अब हमें क्या कहा जा रहा है? हम जो अर्जुन की अवस्था है, यही हम सबकी बनी गई होगी या बन रही होगी, तबीयत तक कमजोर, दिल नर्म है, हाँ मनमानी करके तबीयत कमजोर हो गई, विल पावर कमजोर हो गई। जिस मेरी देवी की विल पावर गई, हाँ उसके लिए क्या हो गया? भविष्य बड़ा गंदा हो गया। बड़ा विस्तार करते मैं कई बातें जानबूझ के नहीं बताता, आपका मन निराशा में न जाए। कई हिंदू धर्म की बातें मैं छुपाए बैठा हूं अपने अंदर, नहीं निकालता, मुझे पॉजिटिव निकालनी चाहिए, नेगेटिव कम, ताकि आपका आश्वासन बना रहे, आपका मन में धीरज बना रहे कि मैं भी उन्नति कर जाऊंगा, मैं भी बढ़ जाऊंगी, भले मैं नारी चोला है, भले मैं किसी की पत्नी या मां बन चुकी हूं, लेकिन मैं निकल जाऊंगी, मैं उन्नति कर लूंगी, मैं प्रोग्रेस में आ जाऊंगी। कमान तबीयत है कमजोर, दिल नर्म है, क्या ये कितना अवगुण है इंसान का जो आप निकल चुके होंगे, ये उलझन है। अब क्या मेरा उलझन को बोलते दुविधा, बेटी दुविधा बड़ी गंदी स्टेज है मन की। दुविधा का मतलब दो विधा मैंने और, जैसे दुराह होता है, दुराह पर खड़े हो जाओ, हाँ पता नहीं लगता मैं किधर जाऊं, मैंने जाना कैंट, हाँ ये कहते इस सड़क पे जाऊं या इससे, ये दुराह होता है बेटे। आप दुराह के बीच में आप खड़ी हो, तो दिस साइड टू दैट। आज प्राय हर नर नारी इतनी डिग्रियां लेकर दुराह पर खड़ा है, विच वे टू लीड, विच वे टू लीड, कहां जाऊं, किधर जाऊं, दुराह पर क्या करूं, क्योंकि अपनी विल पावर मनमानी कर करके इक्वल टू निल। बेटी हमारी जो कुव्वत इरादगी है या संकल्प शक्ति है मारी गई है, हमें अपने पर विश्वास नहीं। बोलूं बकवास कर दूं
अब तुम्हें स्पष्ट सत्संग करना ही है ना, भगवान की वाणी को समझाना है मुझे। इस तरह जिसको अपने पर विश्वास नहीं रहा, हाँ यही जीव आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि अगली पिछली ब्रेक भी मारी गई और कुवत इरादगी भी कोई नहीं रही, अपने पर भी विश्वास नहीं रहा, तो जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। हमारी जिंदगी आपको पता ही है किसी आशा की टहनी पे लटक रही है, हर एक नर नारी का जीवन किसी आशा की टहनी से लटका है। अगर आशा की टहनी टूट गई तो नीचे हल्के कुत्ते बैठेंगे आपको खाने के लिए, दबोच लेंगे, निगल लेंगे आशा की टहनी। आज हर इंसान आशा लेके जिंदगी काट रहा है, हर एक नारी आशाओं पर रह रही है, अपनी खुशी को मां पर, बाप पर, बहन पर, भाई पर। नारी तो खास करके आपको बेल कहा गया, बेल जैसे तोरियों की बेल होती है, अनेक जगह देखी होगी। हाँ आगे रस्सी बांधते जाओ वो भी आगे आगे बढ़ती जाएगी, जितनी मर्जी रस्सी बांध लो आखिर आप तंग आ जाएंगे, बेल ने तो उसके आगे निकल जाना और आगे निकल जाएगी और आगे निकल जाएगी। नारी बेल की तरह है, आप सहारा लेके बढ़ती हैं, चाहे आप पढ़ भी गई हैं, कमाती भी हैं, मां भी बन गई हैं, लेकिन फिर भी आपको सहारा चाहिए। कभी मां का सहारा, कभी बाप का सहारा, कभी आपको अपने भाई का सहारा, भगवान करे बना रहे, कभी पति का सहारा, हाँ कभी अपने बेटों का सहारा। अगर आपने नए नए सहारे टूट जाए तो पिछला सहारा आपका भगवान पेछा बनाई रखे, आपके पैर नहीं जमीन पे लगते अगर आपका पेछा भारी हो तो है। अगर माँ बाप आपके बड़े अमीर हो, बड़े अच्छी हो, आपकी कदर करते हो, तो श्रीमान भी बड़ी कदर करेगा कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो अगले ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। पेछा भारी हो तो लड़की की बड़ी कदर होती है, बड़ी कदर होती है। गो मैं इस जन्म में लड़की तो नहीं पर मैं देखता जरूर हूं कि पीछे वाली लड़की की कितनी कदर है। हाँ तो पीछे सारा 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 सारा, हाँ लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने तो प्रकट करना है ना। सहारे टूट जाते गए, सहारों का भरोसा क्या। भगवान ने सृष्टि को बनाया मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बेटियों ऐसे कि ये एक जैसे नहीं रहती, ये टूट जाती है, इनके दिन मुकरर होते हैं। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये प्रकृति का, प्रकृति के बनाने वाले भगवान का अटल नियम है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। दिस इज इनएविटेबल लॉ ऑफ डिवाइन नेचर, जो भी पैदा होगा अपने दिन पूरे करके खत्म हो जाएगा। जो भी कोई प्रकृति में कोई चीज पैदा हुई है, कोई घटना हुई है या कुछ भी, फिर भी हम सहारे लेते हैं, हमारे सामने देखती हैं। श्रीमान के एक शरीर छोड़ गए, फिर भी अपने श्रीमान का पूरा सहारा है। पता है श्रीमती फलानी की मर गई, फिर भी नहीं हमें, जिसे मैं कल कह रहा था, फिर भी नहीं हमें शिक्षा मिलती, फिर अपने श्रीमान के साथ बुरी तरह अटैच है। उसका एक रोता बच्चा एक्सीडेंट से मर गया, फिर भी अपने एक रोते बच्चे के साथ बड़े अटैच है। हमें प्रकृति समझाने की कोशिश तो करती है पर इंसान समझता ही नहीं, मेरी बेटी नहीं समझती। हाँ फिर भी पता है बारी रूप में लव अफेयर का परिणाम बड़ा गंदा होता है। ऐसे ही शादी के बिना पति बनाए फिरना, हाय मेरे रब्बा, शादी के बिना पत्नियां बनाए फिरना, हाय ओए हाय, पता है इसका परिणाम गंदा होगा, फिर भी करते हैं, कौन सा छोड़ते हैं हम, फिर भी चल रही हैं मां दुख पाने के लिए। तो इसके बोलते हैं दुविधा, तभी आता कमजोर दिल नर्म खाई, उलझन है आपका। मेरा धर्म है, धर्म का मतलब कर्तव्य, नाता मैं क्या करूं, मैं तो उलझन में हूं, मैं तो दुविधा में हूं। हाँ और अगर कुछ दिन दुविधा में पड़ जाए तो फिर ये आप जानते ही है, माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया का अर्थ क्या करोगे, लोक, मैं लोक परलोक दोनों से मारा गया। राम का मतलब परलोक और माया का मतलब लोक, मैं दोनों जहां से मारी गई, मैं दोनों जहां से मारा गया। कब, जब इंसान दुविधा में, दुविधा को बड़ी जल्दी हल किया करो, उलझन को बड़ी जल्दी हल करो, अगर आप ना हल करेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे आप। ये 100% राइट है, या तो दुविधा का समाधान ढूंढ लो या फिर मरोगे, जिंदगी नहीं रह सकती, मन नहीं रहे, मन तंग आ जाता है। तो देखो कितना अच्छा हमें राय दे रहा, आदर्श सामने रखा गया, ये उलझन है आपका, मेरा धर्म है, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए। प्रभु मैं तो आप ही का हूं, आप ही कह रही है मैं सारे जहां का हूं, माता पिता, हाँ या बाबा कहिए। अर्जुन ने चेला क्यों कहा, शिष्य क्यों कहा, शिष्य थे हम। जब किसी से सीखना हो ज्ञान तो ये अवस्था बनानी जरूरी हो जाती है कि प्रभु मैं तो आपके चरणों में गिरा पड़ा हूं, गिरा हुआ हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। तो किसी से कोई सीखना है तो आपको नीमा दाव लेना पड़ेगा, स्टैंड अंडर, उसके स्टैंड अंडर विनम्र हो जाओ।
बेटी स्टैंड अंडर, फिर क्या होगा अंडरस्टैंड, वही ये मेरे स्वामी जी ने मुझे सिखाया, किसी से कुछ अंडरस्टैंड करना हो तो क्या करना चाहिए, स्टैंड अंडर, विनम्र हो जाओ उसके, उसकी सेवा कर, उसके अंडरस्टैंड कर, तब आ जाओगे जब आप स्टैंड अंडर होंगे, आकर पाकर खत्म कर दो, बेपना खत्म कर दो, वही बहुत अच्छे, वही बहुत अच्छे, स्टैंड अंडर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अनुभवियों का एक एक शब्द बड़े मार्के का जो हमने लाभ उठा लेना, स्टैंड अंडर देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। किसी से कुछ भी सीखना, किसी भी लाइन में, किसी भी फील्ड में कुछ सीखना चाहते हैं किसी से, स्टैंड अंडर, क्या कर उनकी सेवा तू सीख उनसे रस। अभी आप पना खत्म कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे, जैसे सुराही सर झुका देती है जब, कितना दृष्टांत कितना अच्छा देगे महापुरुष, अगर खाली गिलास सुराही के नीचे रखा जाए, मजा है सुराही अपने का अगर मैंने जाती हाय सिर झुका के खाली गिलास को भर देगी। हम विनम्र होकर के कोई भी लाइन में कुछ किसी से सीखना चाहती है और विनम्र हो जाइए, वो आपको भर देगा। कितना अच्छा दृष्टांत है, सही दस्तों का रुतबा ऐले दस्तों से ज्यादा है, है। और वो देखो सुराही सर झुका देती है जब, पैमाना सुराही ने झुका दिया अपने आप को खाली गिलास को भरने के लिए, भरे हुए ने झुका दिया अपने आप को उस खाली को भरने के लिए, अर्जुन खाली होके जा रहा, प्रभु मुझे नहीं पता, मैं तो आपका हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दी, जो भी जिसमें मेरे भलाई मेरी बैटरीमेंट है मुझे बताइए। अब इसमें उसने अपने आप को खाली कर दिया और भगवान के आगे अपने आप को रख दिया, मुझे बताइए और मैं अपना लूंगा। बस ये इशारा किया है अर्जुन को द्वारा भगवान ने कि अगर कुछ सीखना है तो अपनाने के लिए तैयार हो जाओ, सिर्फ बौद्धिक जानकारी ना हो, इंटेलेक्चुअल ग्रॉस्पिंग मुर्दाबा, आजकल सिर्फ बौद्धिक जानकारी है अपनाया नहीं जाता, इसलिए धर्म बदनाम हो गया, धर्म पे धर्म स्थान पे जाने वाले ने बदनाम कर दिया, क्या अपनाते नहीं, जीवन में ढालते नहीं। बेटी ये घर से पक्का करके आया करो कि भगवान की वाणी से बढ़ के कोई चोटी का ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और भगवान से बढ़ के कोई अवतार था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। हाँ आगे इतना बड़ी शक्ति वाला अवतार नहीं होने वाला, 16 का अवतार अब कोई नहीं होगा, है था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, चूंकि पूरी कलाएं 16 मानता है हमारा शास्त्र, इससे बड़ा अवतार नहीं होगा, हाँ इससे बड़ा ज्ञान भी नहीं हो सकता जो भगवान जी ने दिया है, ये इल्मे शही गए, ये राज है, बड़ा चोटी का, चोटी के ब्रह्म विद्या चोटी का ये राज है, इसे बढ़ के राज हो नहीं सकता, इसे बढ़ के ब्रह्म विद्या हो नहीं सकती, इसी ये बड़ा चोटी ज्ञान, जो ज्ञान दे फिर वो जगत गुरु कहलाए। अच्छा अब उसके में अपने मन को रखना, आप सारे अपनी खुशी से आ रही है, कोई मजबूर नहीं करता मेरी देवियों को मेरे सज्जनों को, ये हो कि जो भगवान की वाणी मुझे समझ आ जाए मैंने अपना लेनी है, मैं गागी भी नहीं करूंगा फौरन अपनाऊंगा, अगर फौरन अपनाएंगे तो ये उसकी लास्ट स्टेज आ जाएगी। अगर एक लड़का लगातार स्कूल पढ़ता रहे और फिर हाई स्कूल में चला जाए, फिर कॉलेज में चला जाए, फिर यूनिवर्सिटी में चला गया तो PhD होके निकलेगा, क्योंकि अपने एजुकेशन में उसके मन का स्टैंडर्ड हाई होता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। तो इस धार्मिक स्टेज की आखिरी मंजर ये है, जो मिल जाए लेकर वही शत, दिस इज द लास्ट स्टेज या PhD ऑफ दिस मार्ग, इस मार्ग की ये PhD है। अपने आप को बिल्कुल ही सौंप दिया अर्जुन की तरह, बिल्कुल सौंप दिया, आहा बिल्कुल मेरी देवी सौंप, जैसे आप अपनी शादी करती होंगी या हमारे वक्त शादी होती थी, बिल्कुल सौंप देना, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई कामना नहीं, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, इस तरह भगवान का प्यारा अपने आप को सौंप देते, जैसे आप आदर्श आए हुए हैं, भगवान जी चुन चुन के आपको चारों ओर से ला रहे हैं, मेरी देवियों को भी चुन चुन के भगवान ने इसलिए बड़ा दूर सत्संग भवन बनाया है कि जो प्यासी हो वही आए, जिनमें मन में लगा ना कल्याण की वही आए, शहर के शोरगुल से एकदम बाहर, ऐसे लगते कि जैसे ये प्रकृति का ये जमीन ही नहीं है, कुछ स्वर्ग में मैं और आप आए बैठेंगे, एकांत चुपचाप शांत, जैसे इस धरती की बातें नहीं, अंबाला की बातें नहीं है, ये कोई इंद्रपुरी का कोई पार्ट पार्सल है, चुपचाप शांत। और आप देवी भी चुन चुन के भगवान से आई है, पढ़ी लिखी बेटियां, आमतौर पर सब मेरी बेटियां ग्रेजुएट है, भाई मेरे बड़े पढ़े लिखे, आजकल की पढ़ाई क्या लगे और भगवान की ओर झुकना क्या लगे, ये भी जब जागे पूरब के भाग, पूरब के शुभ कर्म जागे हो तब जाकर के मन लगता है इधर, तो उसके बाद में सौंप दिया जाता है अपने आप को, प्रभु मैंने जान लिया, अब तो अपने आप को सौंपने में मेरा कल्याण है,
अपने आप को सौंपने में सचमुच जब से हमने होश संभाली माँ के हवाले किया। हाँ माँ ने कितनी सेवा की, और जरा एक झांकी देते जाऊं, आपने अपने आप को माँ के हवाले किया कितना आराम पाया, उसके बाद पिताजी के हवाले किया कितना आराम पाया, उसके बाद बड़े बहन भाइयों के हवाले किया कितना आराम पाया, उसके बाद स्कूल में मास्टरों के हवाले किया कितनी शिक्षा पाई। हाँ, और जो हमारे क्लास में कुछ याद आते हैं गुस्ताख हुए उनको कान से पढ़कर स्कूल से निकाल दिया गया, वो नहीं पढ़ सके बट क्या कुछ नहीं, गंदे कामों में रह गए, जरा गुस्ताख हो गए आंखें दिखा दी, या मास्टर जी बैत से मार रहे थे तो वही बैत लेकर मास्टर जी को दो मार दिए। हाँ, तो वो फिर पढ़ तो नहीं सके, उनको फिर स्कूल में जगह तो नहीं मिली बिल्कुल भी नहीं। या मास्टर ने कहा हाथ दिखा अपना, मैं बैत क्यों हाथ दिखावा, मैंने बैत मारी तुझे काम क्यों नहीं किया, हाथ दिखा अपना, वो हाथ दिखाने के बजाय खिड़की से छलांग मार के बाहर चले गए, फिर नहीं पढ़ने के लिए आ सके। और जो कुछ विनम्र होते गए अपने आप को हवाले करते गए, हाँ बस ले लिया। एक लड़के ने कहा मैंने मार नहीं खानी, सवाल भी नहीं किए, तो अब हाथ पीछे कर लिए, क्या बात मास्टर जी मैं मारने योग्य नहीं हूं, आज देखो मैं पहली बार है जो मैंने काम नहीं किया, मुझसे पूछो क्यों नहीं काम किया, मैं पहले डंडे मारूंगा फिर पूछूंगा। मास्टर जी नहीं मैंने डंडे नहीं खाने, मास्टर जी क्रोध आ गया, नहीं तो फिर मैं थप्पड़ भी नहीं खाना आपसे, क्यों सारी रात मेरे पिताजी बीमार रहे, उनको लूज मोशन रही और मैं उनके साथ शौचालय, उन दिनों फ्लश सिस्टम नहीं होता था, मेरी भी देवी हो, और मैं उनको पकड़ पकड़ के शौचालय ले जाता रहा, अब भी मेरी आंखों में नींद है, मेरे शरीर थका पड़ा है, लेकिन फिर भी मेरी मां ने कहा नहीं पुत्र तू कर आ, तू पढ़ आडी तय पढ़ सकना है, तो मास्टर जी में मार खाने ठीक पुत्र बड़ा अच्छा किया तूने, बल्कि अब सारों को बता दिया बच्चे जब मैं मारा करूं मुझे बता दिया करो, ये बिल्कुल ठीक है, फिर मुझे टाइम तो मिला नहीं, अब भी मैं अपने पिताजी को बहन के हवाले करके आया हूं कि जब तक मैं नहीं आता अभी छुट्टी के बाद मैं आ जाऊंगा फिर पिताजी को संभाल लूंगा, इसलिए मैं कह रहा था मुझे मार खाने योग नहीं हूं। है शाबाश, हवाले कर देना, कभी बाप के हवाले, कभी बहन के हवाले, कभी पत्नी के हवाले, कभी पति के हवाले, कभी पुत्र के हवाले, ये आखिरी स्टेज है जब जी भगवान के हवाले अपने आप करते हैं, जिसके ये अंश है। भगवान क्या है, हम क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी, भगवान के अंश समझो ना, भगवान के अंश, भगवान के अंश। ये मेरे पास रुमाल है, अब जैसे रुमाल के ये हिस्सा मैं यहां से ये कट लू तो ये रुमाल का अंश कहलाएगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस हैंडकरचीफ। हाँ, तो हम सारे जितने भी जीव भगवान ने बनाए हैं हम उनके अंश हैं, लेकिन ये तो मैंने दृष्टांत गलत दिया है कि फाड़ लिया तो इससे अलग हो गए ना, हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, हमारे सर्वव्यापी भगवान है, उनके ऊपर हम उन्हीं के साथ ही हैं, अंश बुलबुले की तरह। ओए बड़ा कमाल हो, महापुरुषों का भला हो, है बुलबुले की तरह, पानी के अंश है पर पानी से अलग नहीं है, पानी से शक्ल बदल ली है हाँ, लेकर टूटने पर फिर पानी के पानी बन जाएंगे, ये निष्ठान दिया हमारे वेदों ने, याद रखना है भगवान के अंश लेकिन है इनसेपरेबल, एक बात मेरे से ध्यान से ले लो, है इनसेपरेबल अभिन्न है। चलो तेरवा अध्याय, तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर मगर उसका हर शय में हिस्सा, सुन उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते भगवान को, भगवान डिवाइड नहीं हो गए ये संसार बनाकर, सर्वव्यापी रूप में हमारे साथ ही है, हम उनके ऊपर बुलबुले की तरह थोड़ी देर के लिए नजर आ रहे हैं, बुलबुले की तरह, बुलबुले के नीचे पानी, बुलबुला खुद भी पानी, बुलबुले के नीचे पानी, बुलबुला खुद भी पानी, फूटने पर फिर पानी का पन, मटका मिट्टी का, हाँ मिट्टी के ऊपर जमीन के ऊपर रखा हुआ है, हाँ तो मटके के अंदर भी मिट्टी है, टूटने पर फिर मिट्टी की मिट्टी। इस तरह जेवर, सोने का जेवर, हाँ सोने से जेवर बनने से पहले भी सोना था, अब भी सोना है, सोने के अंदर जेवर बना हुआ है, टूट गया सोने का सोना। इस तरह अपने आप को समझो, हम बुलबुले की तरह है, नीचे हमारे पानी है, नीचे हमारे भगवान है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकीन। आगे पढ़ो और अपने मन को समझा लो, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे, ये भगवान जी है ना। तो विकास करते 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 अब अगर आप देखो पूरा भगवान का सहारा ले लिया, बड़ी मुद्दत होगी काका, मुझे भी यहां आए हुए लगभग 40 साल से ऊपर हो गए, आहा लगातार आपको सुना रहा हूं गीता जी, मैं भी और कोई शास्त्र शुरू नहीं किया, जरूरत ही को नहीं किसी और शास्त्र की, ये तो चोटी का शास्त्र है, ये तो जीव को नारायण की जात में एक में कर देता है, नर नहीं रहने देता, नारायण बना देता है।
कमान, आपने बड़े सारे लिए, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत नहीं सारे लिए, कुछ लिए तो थे ना जब तक मां बाप के घर में था। अब आप देखे पुरुष पे भगवान का सारा है और मैं अब आपको गहराई में ले जा रहा हूं। अब आप चाहे नारी चोला है, चाहे आपकी पत्नी मां, जो कुछ भी रिश्ता है, निभाई रही है, आप पूर्व भगवान का सारा है। बाबा ये कैसे बतलाए, हम मुंह से तो कह दी कि आप भगवान का सहारा है, लेकिन हमारे पास कसौटी क्या है, भगवान बताते हैं। हाँ, अगर हम अपनी शांति, खुशी, प्रसन्नता, पीस ऑफ माइंड के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करते, तो मुझे आपकी कसम, आपके भगवान की कसम, फिर आपने भगवान का पूरा सहारा ले लिया। अगर इंसान अपनी खुशी का और कोई कारण नहीं समझता, अगर अपनी प्रसन्नता के लिए और कोई कारण नहीं ले लिया, क्योंकि हम जो कुछ भी है, जो हमने जन्म ये लिया या है अगले लिए, सिर्फ अपनी खुशी को परमानेंट करने के लिए हम अरमान पूरे करती हैं, क्यों? खुशी लेने के लिए। इच्छाएं पूरी करती हैं, क्यों? खुशी लेने के लिए। हमने पढ़ाई की, क्यों? खुशी लेने के लिए। उस दिन मैं कह रहा था, और बेटे तेरा प्रश्न था, आज आ गया बारी उसकी उत्तर देने की, कि आपने कहा था कि इंसान पढ़ता है क्यों? कमाने के लिए। कमाता है खाने के लिए, खाता है जिंदगी के लिए, और जिंदगी किसके लिए? जिंदगी हमने किसके लिए ली? अपने अरमान पूरे करने के लिए। अरमान क्यों पूरे करने के लिए? ताकि मुझे ज्यादातर मैक्सिमम खुशी मिले। फिर वही खुशी की बात आ गई। इंसान ये सारा कुछ क्यों कर रहा है? जिंदगी क्यों बरकरार रखे हुए है? खुशी के लिए, आनंद के लिए। तो आनंद मिलना कहां से है? भगवान से। जहां तक परमानेंट हैप्पीनेस का ताल्लुक है, याद रखना, हम ऐसी खुशी नहीं चाहते, या मुझे बताइए, जो गम में बदल जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो गम में बदल जाए। हर एक इंसान यही चाहे, वो नास्तिक है, ऐसी खुशी चाहता है जो दिन बदन प्रोलांग हो, दिन बदन और बढ़े। ऐसा करार चाहती है कि बेकरारी में ना बदले ना। एक राजा ने बड़ा तंग किया एक महात्मा को, क्या कि मुझसे कुछ दान लो। तो उन्हें अपने मन में रख रखा था कि मैंने किसी से कुछ नहीं किया, याचना नहीं करनी, याचना मांगना, मैंने याचना नहीं करनी। तो राजा ने बहुत मिन्नतें की, बड़ी मिन्नतें की, मेरा धन सफल करो, मेरे हाथ सफल करो, मेरी वाणी सफल करो, मैं ऐसे पहुंची बात में कुछ देना चाहता हूं। फिर अंदर भगवान ने प्रेरणा दी, ये मानेगा नहीं, जिद्दी है, मांग इससे। अच्छा राजा, ऊपर ऊपर उत्तरीय वस्त्र होते हैं मेरे बच्चे, जैसे आपके उत्तरी विजय चुन्नी जिसको बोलती हो, हमारा अपना शब्द उत्तरीय वस्त्र। उसने उत्तरीय अब लिया वस्त्र और यूं लेके पल्ला बनाया, यूं पल्ला बना के आगे फैला दिया। राजा आपने बहुत मजबूर किया, हाँ मुझे दो। दोगे? मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, अपना तख्त भी कुर्बान कर दूंगा। आप मांगो, मेरा राज मांगो, मेरा पाठ मांगो, जो भी मांगो, महल मांगो, जो मांगो, मैंने देना है आप जैसे महात्मा को, मैं जरूर कुछ दूंगा। तो दो, फिर आप इनकार ना करना। देखो 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 कितना सयाना पड़ा, भगवान कैसे प्रेरणा दे रही है, मुझे दो, आप मांगो ना, पर सोच ले, फिर तेरे पाप लगेगा अगर मैंने मांगा तूने ना दिया। तो मैं तो दूंगा, आप मांगो, मुझे ऐसी खुशी दो जिसमें गम ना हो, ऐसी खुशी दो जिसमें गम ना हो, मुझे ऐसी जिंदगी दो जिसमें मौत ना हो, मुझे ऐसा जोबन दो जिसमें बुढ़ापा ना हो। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। आजा राजा और राजे की रानी, आजा सारे, गड़ गया जमीन के अंदर के महाराज, जमीन फटे और मैं समा जाऊं, मेरा अहंकार आपने तोड़ के रख दिया। फिर सुनो जरा, अरे राजा तूने बहुत तंग किया, अब तू इतना अनुरोध कर रहा है, मुझे ऐसी खुशी दो जो कभी गम में न बदले, मुझे ऐसी जीवन दो जो कभी मृत्यु में ना परिवर्तित हो, और मुझे ऐसा जोबन दो कभी बुढ़ापे में ना बदले। ये तो एक मामूली राजा है, ब्रह्मा विष्णु में ऐश भी उतर जाए तो अंतर्धान हो जाएंगे। है हमारे बस की बात नहीं ना, ये हमारे बस की बात नहीं। और तो प्रहलाद जैसे ने नारायण को भी शर्मिंदा कर दिया, जब उन्होंने मजबूर किया, कुछ मांग, वरम ब्रूही, वरम ब्रूही, वरम ब्रूही, वर मांग। अच्छा प्रभु, अब आप तीन बार कह चुके मेरे लिए लाना था ना मांगना, मुझे दो वरदान। बोलो बोलो मेरे बेटे, तेरे मेरे लिए बहुत दुख सह, मांग, मांगो, मेरे मन को इतना मजबूत बना दो कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही ना उठे। सुनो जरा, सुनो किस लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है, ऐसे मेरे मन को मजबूत बनाओ कि मुझे मांगने की इच्छा ही ना उठे कि मैंने कुछ मांगना है। यानी इतना पक्का मन, इतना परफेक्ट माइंड कि मांगने की इच्छा ही ना उठे। भगवान वही चुप हो गया, अब मैं क्या बोलूं। मां है रूठे हुए बाप की गोद में रखने के लिए, भक्त भक्ति भगवंत, भक्त भक्ति भगवंत, भक्त भक्ति भगवंत। शाबाश शाबाश, फिर मैं प्रश्न छेड़ा करूंगा,
भक्त भक्ति भगवत पर सत्संग की क्या जरूरत है? वाई सत्संग, फिर भगवान की वाणी की क्या जरूरत है? बोली 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 बोली। जब भक्त ने भक्ति द्वारा भगवान की जात में तलीन हो जाना है तो फिर सत्संग की क्या जरूरत रही? सत्संग के द्वारा ही तो हमें भक्ति मिलनी है, सत्संग के द्वारा ही हमें भक्ति मिलनी है। सत्संग के द्वारा भक्ति कहां से लोगे? सत्संग के द्वारा ही तो लोगे ना, सत्संग के द्वारा। या आप योग भ्रष्ट होते, पिछले जन्म की आपकी बड़ी साधना होती, फिर सत्संग की जरूरत कोई नहीं थी। इसे बोलते हैं योग भ्रष्ट, पिछले जन्म के योग का कमाई ना कर सके, थोड़ी रह गई थी, आयु खत्म हो गई, फिर न तो ही कोई साधन चाहिए, तरीका चाहिए, तरीके चाहिए ना। हाँ, जैसे आप कहते मेरी पीढ़ी चलनी चाहिए, मैं अपने बाप का इकलौता पुत्र हूं, आगे तो पिता के वंश ही खत्म हो जाएगा, हमारा वंश ही नहीं चलेगा, तो फिर मंगते बनू मेरे बने जुत्ती, मेरे को मंगता बनू, नहीं पुत्र मंगता बनना पड़ेगा, याचक बनना। मैं याचक क्यों बनी बाबा, हम लाखों पति हैं, मेरे बाप भी ये था, मेरा दादा बड़ा अमीर था। है नहीं बच्चे, आप कहते मेरा वंश चले, हाँ तो फिर बनो, मंगते बनो, क्यों मंगते बनो, नहीं जा बड़े मंगता बनना पड़ेगा है। और ये भी नहीं कि आधी रात का मंगता, ये नहीं कि एकांत का मंगता, हाँ 50-60 व्यक्ति मंगते और साथ जाएंगे, कितने मंगतों की बारात जाके किसी घर में जाओगे, वास्ता दे रब दा, मैं हाथ फैलाना पैर फैलाना, लड़की दा दान दो, कन्या का दान दो, अगर वंश चलाना है तो हो गया ना मंगते, हो गया मंगते, हाँ बाबा इसमें तो वो बेगर बनेंगे ना, वी विल हैव टू बेग। आप समझते कि जाकर रुपया मांगने वो बेगर, तो रोटी मांगनी नहीं, मन से संसार की कोई चीज मांगना बेगर बनना, मन से संसार की कोई चीज मांगना, ये दिस इज नथिंग बट बेगिंग, हम भिखारी बनेंगे। ये रेडीमेड आप तैयार हो जाती है तो बेगर आएगा, प्लीज एक्सक्यूज मी, बेगी है ना बच्ची, या बेग करना है, भिखारी बनना है, मंगता बनना है, दे और आप दे ना ते ताकि मेरे पियो दा वंश चलता रहे। आप ही चल पड़ती हो कमलिया बन के, चले मैं चलनी हूं, आप ही बार चलती हो, तो बैक करना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है। जैसे इसी तरह अगर किसी ने आवागमन से छुट्टी पानी है तो भगवान का अप्रोच करे, तो भगवान की अप्रोच भक्ति द्वारा करे, और फिर विनम्र बन के सत्संग में, ताकि भक्ति आपको मिले, और भक्ति मां बन के हाँ आपको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए तो नंगा भगवान के पास ले जाए, उसने भगवंत के पास ले जाना है, मां ने तो नंगा मनंगा मैं रसोई में जा रही हूं आप संभालो, नंगा मनंगा काका, नहीं नंगा बने तो मैं तो नहलाऊंगी धुलाऊंगी, सुंदर बना के सुंदर कपड़े पहना के अपने श्रीमान को थोड़ी देर संभाल लो, हाँ मैं संभाल लेता हूं। इसी तरह भगवान अपने रोंदे जीव को, जिसने जाप किया, भजन किया, सिमरन किया, मेरा सहारा लिया, संभाल लो इसको, देखो मैंने सजा दिया। भक्ति किस से सजाती है? ज्ञान से, ज्ञान के कपड़े पहनाती है, ओए 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 भक्ति के कपड़े पहनाती है, उच्च विचार पहनाती है, अच्छे कर्मों के कपड़े पहना करके भगवान के हवाले कर देती है। बुद्धि में ज्ञान, ज्ञान के कपड़े, मन में भक्ति शाबाश, और अंगों द्वारा शुभ कर्म, गुड। जब ये आप पूर्ण रूपेण सुसज्जित हो जाती है तब ये जीव भगवान का अधिकारी बन जाता। जैसे आपकी पत्नी बच्चे को सजा धजा के आपके थोड़ी देर संभाल लो ना, मैं रसोई कर लूं, हाँ तो ये सत्संग के माध्यम से, बिनु सत्संग विवेक न होई, हाय राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक मिलना नहीं, और सत्संग भगवान की कृपा के बिना मिलता भी नहीं। भगवान की कृपा पूरी पूरी हो जाए तब भगवान ये साधन बनाते गए, ये सब जरिए बना देती है मेरे प्रभु, जहां हमारी आंतरिक कामना पूरी होनी है। अच्छा ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं हमने भगवान का सहारा ले लिया, हमारे पास क्या प्रमाण है? तो यही मेरे भगवान जी कह रहे हैं गीता जी के अंदर, अगर अपनी शांति के लिए हमने संसार के किसी प्राणी किसी पदार्थ का सहारा नहीं लिया तो आपने पूर्ण रूप भगवान का सहारा ले लिया। मैं भी सच्चाई से अपने अंतःकरण को देख लूं, और आप भी सच्चाई के साथ सिंसियरली एंड सीरियसली अपने टटोलो, अगर आपने अपनी खुशी का कोई केंद्र नहीं बनाया, अपनी खुशी के लिए संसार के किसी प्राणी पदार्थ के सहारे नहीं ले रहे, इफ यू आर नॉट गेटिंग हैप्पीनेस हाँ थ्रू एनीवन, केयर ऑफ एनीवन, तब भगवान कहते हैं ये मेरा अनन्य भगत है। तब नामे धाय के 22वें श्लोक में भगवान डिक्लेयर करते हैं,
जो यक दिल हो जी में ना रखे दुई, दुई नाम दुनिया का। इन्होंने दुनिया का सहारा नहीं लिया पर उन पे मेरे सहारा लिया। इसको भगवान ने दूसरे शब्दों में कहा, वो करते हैं खालिस इबादत में, वो पवित्र भक्ति भगवान की कर रहे हैं। पवित्र, आपने शादी के बाद किसी औरत को पति रूप में नहीं देखा, यू आर वेरी पवित्र। शादी करने के बाद किसी नर को आपने पति रूप में नहीं देखा, वेरी वेरी पायस लेडी एंड प्योर लेडी। और किसी को नहीं देखा, नहीं पति रूप में देखा, वेरी गुड। इस तरह भगवान का सहारा लेने के बाद जब वो किसी और का सहारा लेता, भगवान उसे अनन्य पुजारी कहते, ये मेरा अनन्य पुजारी है, इसने अपनी शांति के लिए किसी और का सहारा नहीं लिया। ये आप देख लो, अपनी शांति के लिए अगर ये बात समझ आ गई कि दायम कायम शांति, परमानेंट हैप्पीनेस, अटर्नल हैप्पीनेस, पेनियल हैप्पीनेस, स्थाई शांति, शाश्वत शांति केवल भगवान से मिलनी है, फिर हम सहारा नहीं लेंगे और भगवान के इन शब्दों को चार चांद लगा देंगे, सहारा किसी का ना ले एक पल, थोड़ी देर के लिए वो सहारा इस बात के लिए लेगा। हाँ, अभी मैं बार बार अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, इंसिस्ट कर रहा हूं, एम्फसाइज भी कर रहा हूं, अपने आप टोलते रहो, क्योंकि हम सब कल्याणकामी हैं। मैं अपनी खुशी के लिए किसी और का सहारा तो नहीं लेती, अपनी प्रसन्नता के लिए, दायम कायम खुशी के लिए मैंने किसी का सहारा लिया है? हाँ, अगर लिया तो भक्ति के साथ इंसाफ नहीं होगा, अच्छा। अगर लिया तो मन पूर्ण रूप में एकाग्र नहीं होगा, अच्छा। अगर लिया है, जरा देखिए, मन पवित्र नहीं होगा, अच्छा। अगर लिया है, हाँ, दूसरा जन्म जरूर हो जाएगा, आप मुक्त नहीं हो सकते है बेटी, आपको फिर किसी गर्भ में गिरना पड़ेगा है। क्यों? अगर आपने अपनी खुशी के लिए सहारा लिया है, हाँ, इसमें कुछ कामना रह जाएगी, कामना पूरी हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, ये आपका अपना तजुर्बा है, कामना पूरी क्यों नहीं होगी बाबा? पूरी तो होंगी, बीच में से और निकल आती है, पूरी हो जाने के बाद बीच में से और कामना निकल आएंगी और वासना निकल आएंगी। हाय, ये तो आप देखो ना, भले नारी चोला है आपका, अपनी खुशी के लिए मैंने किसी का सहारा ले रखा है क्या? अगर नहीं तो फिर ये अवस्था बन गई। अगर मैं और आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, अच्छा, सच्चे और पक्के हैं, हाँ, तो फिर ये मेरे पर आप पे लागू हो जाएगा। क्या कहा? जो मिल जाए लेकर वही। जब हमने पूर्ण रूप में सहारा ही अपनी खुशी के लिए भगवान को ले रखा है, तो संसार को कुछ भी मिल जाए, हमने शांति का स्वर सहारा ले रखा है संसार को, कुछ भी मिल जाए, क्या अनुकूल वातावरण बन जाए, प्रतिकूल बन जाए, कोई आपको आदर दे, माफ कर दे, मेरे लिए क्या है? मैंने तो अपने भगवान का सहारा ले रखा पूर्ण रूप में और मुझे भगवान बहुत खुशी दे रही है, मुझे क्या ये यूं कर दे तो क्या, यूं कर दे तो क्या, मेरा कोई समय कोई मेरे को स्वार्थ है? शाबाश, कोई मेरा को उल्लू थोड़ा, मैंने सीधा करना है, ये मर्जी, फिर जो भी मिल जाएगा हर हाल में खुश। पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश है, हर काम में, हर ढाल में, हर चाल में खुश है। पूरे वही है मर्द जो हर हाल में, जमाने ने तो गिरगट की तरह रंग बदलने हैं, इसलिए दाना आदमी आप जैसे विचारशील विचारशीला क्या नहीं सहारा लेती संसार के वातावरण का, संसार के एनवायरमेंट एटमोस्फियर का, बिल्कुल नियम सारा एक अपने भगवान का, तब भगवान कहेगा हाँ अध्याय भी पूरा होने वाला है, वही गए मेरा भक्त, ये मेरा प्यारा भक्त है, इसने अपनी खुशी के लिए कोई प्रलोभन ना लिया, ना प्रलोभन में आया है और किसी का सहारा नहीं लिया। लेंगे तो मुंह की खाएंगे, लेंगे तो भगवान के खालिस भक्त नहीं कहलाएंगे। शादी के बाद अगर खुशी के लिए कोई और सहारा लेती है, नहीं, जहां तक भी शास्त्र कहते हैं मेरी कमली रमली बेटी, अगर आप पूरी खुशी पति से ना लेकर कपड़े पहनने से खुशी लेती हैं, तो भी आपने पवित्रता जाय कर ली। अगर खाने पीने में आपको बड़ी खुशी होती है, तो भी आपने पवित्रता जाय कर ली। अगर बेटे में आपका ध्यान लग गया, तो भी पवित्रता खराब कर ली। अगर क्लबों में मन लग गया ज्यादा, तो भी खराब करेगा। टीवी के सामने बैठी हुई बात बड़ी खुश होती है, आवाज भाई रोटी दिया ना मुझे, और आप नहीं जा रही, तो भी पवित्रता आपने खराब कर ली। वो जिसके साथ शादी हुई है उसके लिए रोटी नहीं जा रही, अभी बेटे थोड़ा सा और देख लो जरा, ये फिर हफ्ते के एक बार बात ही है, फिर लानत, फिर गई कम खराब, पवित्र तो नहीं रहेगी। आप वो प्राय पुत्र नाच रहे हैं गा रहे हैं, क्या गनबंद हो रहा है, अब कमन उधर लगा पड़ा है। इसी तरह अनन्यता हमारी खराब हो जाती है अगर हम अपने मन की खुशी किसी और से ले ले भगवान को छोड़कर, और वो खुशी टेम्परेरी होगी, टेम्परेरी कुछ दिनों की बस, फिर वो नहीं मिलेगी। तो अब आप देखिए आपकी ये अवस्था है क्या, क्या जो मिल जाए संतुष्टा येन केन चित्त, येन केन प्रकार से, जैसा भी आए वो हमारे, हम आश्रित ही नहीं है,
ना किसी पुरुष के आश्रित, ना किसी वातावरण के आश्रित, हाँ ना किसी प्राणी के आश्रित। इसके बाद आप ही सोच लो ऐसी नर नारी का शरीर छूटने के बाद जन्म भी क्यों होगा। देखो भगवान जी कहां खींच के आपको ले जा रहे हैं, देखो 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 कहां ले जा रहे हैं भगवान जी आपको है। जब ऐसा सहारा के ऊपर ले लिया भगवान का, अब बार कुछ भी होता रहे, गर्मी आए सर्दी आए जैसे मर्जी आए और जैसे मर्जी पड़ता रहे, कोई मान दे अपमान दे हमारी बला से, भगवान सेहत दे बीमारी दे हमारी बला से, रखेंगे हम भक्ति करेंगे नहीं रखेंगे हमें उठा ले, हमारा मन तो हमारा जीवे लगा हुआ है, फिर कौन जन्म देगा, मरण कौन होगा, हम क्यों गिरेंगे किसी गर्भ के अंदर। कितनी छोटी की अवस्था, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, ये संतुष्टा ये किंचित, अपने आप में संतुष्ट है अपने आप में, हाँ एवर सेटिस्फाइड एवर कंटेंटेड, बड़ी अच्छी अवस्था। मैं यूं कह रहा हूं ये हमारे वैदिक धर्म के विकासवाद के नियम अनुसार अंतिम अवस्था, अंतिम उच्च कोटि की अवस्था। इसके बाद तो भगवान में समा जाओगी है, शरीर छुटिया और जो जीव इसको चला रहा है महाराज जी में गया, चूंकि आपकी लौही कहीं नहीं थी, जीव किसी और के पास तब जाए जब कहीं हम सोचते थे या किसी को खालों की दुनिया में लाते थे या सपने में कोई हमें तरसाता था, वो भी कोई बात नहीं, अपने आप में हम दिन भर भी रहती हैं, गहरी नींद सोती हैं, दिन भर भी अपने आप में रहती है, रात को गहरी नींद सोती हैं। ऐसे जीवों का जन्म क्यों, कोई मन में और किसी का ख्याल ही नहीं आता, किसी के लिए आप तरसते नहीं, किसी को चाहते नहीं, कोई कोई किसी की आप खड़े हुए इंतजार नहीं करते दलीज पर, कोई कोई बेटी कुछ भी नहीं, किसी के लिए आप सहती नहीं धहती नहीं, रोटी खानी है सिर्फ भूख दूर करने के लिए, कपड़े पहने अपने शरीर ढांपने के लिए, वो सारी बातें ही पुरानी चली गई, दृष्टिकोण एकदम बदल गया, ऐसे जीव लौट के नहीं आते। ऐसे जीवों के लिए भगवान कहते हैं संतुष्टा येन केन चित, येन केन चित, संतुष्ट है वो हर हाल में हर परिस्थिति में। देखो बार बार अनुरोध कर रहा हूं, टटोलो अपने आप को, नई अवस्था बनी तो अपने मन को जल्द समझा के जल्दी बनाओ, पता नहीं कब सही छूट जाए, ये मन को जरूर कहा करो दिन में एक बार, तो ना जाने ओ मेरे मन, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने किस घड़ी में ये शरीर छूट जाएगा, बहाना सा बन जाएगा, ना जाने कौन सा पल। और आजकल तो मौत बात बात भी हो रही है, ले नहा दो के बाहर निकलेंगे, एक पैर भगवान कोई मजा आ रहा है ये धर्मराज को मजा आ रहा है, हमारे में एक ही मृत्यु हुई, एक पैर बाथरूम में एक पैर बाहर है, धराम से गिर गए, बाथरूम में गए शौच करने के लिए, बड़ी जोर की आवाज आई तो घर वाले गए भाग के बाथरूम तोड़ दिया, अंदर डेथ हो गई। आजकल मौतें देखो, फर्स्ट क्लास की टिकट लिए हुए आपकी छावनी में दुर्घटना, शेर जी गिरे पड़े बॉम्बे के, फर्स्ट क्लास की टिकट है, भगवान ने कहा नहीं ये टिकट इनको दे दे, हाँ आप ऊपर आओ, बात बात में जा रहे मेरे बच्चे, बात बात में श्री जा रहे हैं, बात ही बात में। रात को सोए हुए शेर गली में खप मच गई, उठे ही कोई नहीं, उठा उठा के मर गए, हुआ ही कोई नहीं, डॉक्टर साहब कहते 3.5 घंटे पहले इनकी जान निकली है, वाह। देखो कोई पता है ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। बराड़ा के स्टेशन मास्टर साहब, हाँ मैंने बताया था गाड़ी का अराइवल ले लिया है, डिपार्चर लिख रही है, वही हार्ट फेलियर हो गया, वही खत्म बराड़ा स्टेशन, नहीं बात बात में शरीर जा रहे हैं, बात ही बात में। इसलिए क्यों हम किसी का सहारा लें, हम तो भगवान के प्यारे गए, जहान के प्यारे नहीं। तो अगर ये बात सत्य है कि आप भगवान के प्यारे हैं, अपनी खुशी का सहारा तो कहीं नहीं ले रखा, ये आप ही देख लो। अगर ये सत्य है कि आपने मन वचन करे में शादी की है, तो और किसी औरत को पति रूप में, पत्नी रूप में नहीं देखते, पति रूप में आप नहीं देखती ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर मैं नहीं देखती तो मैं मन वचन कर्म से एक हूं। इस तरह हम भी अपनी खुशी के लिए किसी और का सहारा तो नहीं लेते, किसी को राग भरी दृष्टि से देखते तो नहीं, अगर हम किसी को ललचाई दृष्टि से देखती है तब सहारा नहीं ले रखा, चाहे किसी की साड़ी हो, चाहे किसी के कांटे हो, चाहे किसी की शक्ल हो, कुछ भी जिसको आप ललचाई से देखती हैं, हाँ तो भगवान का पूरा सहारा नहीं लिया। और अगर आप बिल्कुल अपने आप में शांत रहते, चलो जरा इसी दूसरे अध्याय में क्या भगवान ने कहा, क्या रहे जिसका दिल रूह से मुतमिन, उसी फर्द को कायम लक लगे, वो उसकी बुद्धि और मन टिक गए हैं, क्या जो अपनी शांति के लिए किसी और की ओर नहीं देखता, पूरी शांति लेके अपने आप में गदगद है, अपने आप में प्रसन्न है। तो ये बड़ा जरूरी पॉइंट थी मेरी बेटी, ओ मैया ओ बुजुर्ग ओ मेरे भाई, मैं अपनी खुशी के लिए किसी और का सहारा तो नहीं लेता, मैं जब बैठता हूं एकांत में मेरा मन उबता तो नहीं,
चार दीवारी मुझे खाती तो नहीं, मैं अपने आप में खुश रहता हूँ ना, मैं अपने आप में प्रसन्न रहती हूँ। ये बड़ा मुश्किल बेटे आजकल कल युग जमाने में अपने आप में खुश रहना, हाय अपने आप में प्रसन्न रहना, अपने आप में खुशी लेते रहना। तो भगवान ने उस पर बड़ी कृपा कर दी जिसकी खुशी अपने आप में है, या मेरा मन उब गया है फिर बाहर निकलती है तू कसर है फिर। अगर उब गया शब्द लगाती हो तो फिर काम खराब हुआ। नहीं मैं कमरे में नहीं बैठ सकता, कहां जाओगे, कहां बाजार में, स्वर्ग है बाजार के नरक है, कहां जाओगे। जिसका मन उब जाता है, जाप करते हुए उबना, गीता पढ़ते हुए उबना है, अगर उबता है तो कमी दूर करो। इसका मतलब पूरा सहारा भगवान का नहीं ले रखा, पूरा सहारा लेने वाले तो अपने आप में शांत रहती है, अपने आप में आनंदित। उनके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं जो मिल जाए बाहरी रूप में कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपको परवाह ही करूं, चूंकि आपने मालिक का सहारा ले लिया। कुछ भी होता रहे बाहर, वरना आज के जिसमें मैं समझा रहा हूं आपको, आजकल में तो पग पग का दूसरों का सहारा है, पग पग पर, धन के लिए, सेहत के लिए, खुशी के लिए, टाइम गुजारने के लिए, वक्त कटी के लिए, वो मेरे रब्बा कितने सहारे ले रखे हैं, वंश चलाने के लिए। देख तो सही, छुट्टी का दिन आज छुट्टी का दिन नहीं गुजरता। हां चल लड़कियां होकर भी ताश कूटने लगेंगे, आनी सीप खेलिए, वो ऐसी गेम खेल कि फिर गर्भ में न गिरे, ये भी तो खेल है एक है। आप पर सीप कुटिए, आप पर पत्ते मिलाइए, आप पर लूडो खेले, लूडो में तो सांप होता है, सीढ़ी होती है, कट खाएंगे हमें। यानी जिसका समय आज छुट्टी आई नहीं कटता, समझिए मेरी भक्ति पूरी नहीं, मेरी भक्ति अधूरी है। अगर मुझे अपनी खुशी के लिए, समय काटने के लिए किसी मरने वाले का सहारा लेना पड़ता है, तो अपने मन को कहो बच्चों अभी तो कच्चा, अभी दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली हनूज, दिल्ली दूरस्थ, हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी तेरे दिल्ली का अर्थ लगा रहा, अभी तेरी राजधानी तेरे से दूर है। ये नौदर की एक राजधानी गतल रहे चैन से जिसमें शाहे बदन, जो शब्द लगा रहे हैं, ये नौ दरवाजे हैं ना हमारे ऊपर से गिनतियां एक दो करके यूं यूं निकलते जाए नीचे तक नौ बन जाती हैं। ये नौ दर की एक राजधानी है। हाँ क्या ये श्लोक मेरे और आपके लागू हो रहा है। रहे चैन से जिसमें शाहे बदन, इस शरीर का मालिक, शाह मैंने बादशाह, बदन मैंने शरीर, इस शरीर का मालिक जिसमें चैन से रह रहा है, चैन से रह रहा है। ये आप तक क्वेश्चन है, मैं आज इसे संपूर्ण कर रहा हूं इस विषय को। क्या आप अपनी शांति के लिए किसी और का सहारा तो नहीं ले रहे हैं, चाहे कोई भी क्यों ना आपका मन एकांत में बैठे उबता तो नहीं। आप देखना अगर कमी है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद जीव ने मुक्त हो जाना, इसके बाद जो इस शरीर को चलाने वाली सत्ता है वो भगवान में मिल जाएगी, इसके बाद पातशाही कहती हुई आपको बतलाऊं, जू जल में जल आए खटाना, त्यू ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे बहती हुई नदी के अंदर अगर गढ़वी पानी की भरी डाल दो तो वो भी नदी का रूप हो जाएगी, इस तरह अंदर वाली ज्योति उस महा ज्योति में समा करके फिर नहीं आएगी, फिर गई। ऐसी अवस्था बनी कि नहीं, तब सत्संग का लाभ, गीता सुनने का लाभ, और ये भक्तों के गुणों में आखिरी गुण हो गया। इसके बाद जो आपके गुण है वो बस खत्म, यही छुट्टी है, यही जो आगे बता रहे हैं वो तो खैर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आखिरी अवस्था है मुक्त हो जाने के लिए, भगवान की जात में एक मेक हो जाने के लिए, जिसे दी लास्ट एंड फाइनल स्टेज। ओ भगवान के प्यारो, ओ मेरी भगवान की चरणों की देवियों, ये आखिरी अवस्था है। हाँ बस, जैसे चारों ओर से गाड़ियां, रेलवे ट्रेन आ रही है, कहां आखिरी स्टेशन पर जाने के लिए, दिल्ली तक। राजधानी जो भी किसी जिस देश की राजधानी होती है वह सारी गाड़ियां रुक जाती है, चारों ओर गाड़ियां चलती हैं दिल्ली को अप्रोच करने के लिए, राजधानी को अप्रोच करने के लिए। हाँ इंसान नाना प्रकार की योनियों में धक्के खाता है, अपने भगवान की राजधानी में जाने के लिए धक्के खा के जलील हो के, अब भी आपका मन, मैं आपके लिए भेजा गया हूं, गीता आपके लिए है, ये वातावरण आपके लिए है, किसके लिए, आखिरी स्टेज पूरी करने के लिए बेटे, आखिरी स्टेज बनाने के लिए। मैं अपनी खुशी का और कोई सहारा ना लू, अगर ले रहे हो तो आप भूल कर रहे हो। अगर कोई ले रहा है सहारा खुशी के लिए, चाहे वो दोस्त है, चाहे कोई भी, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, इतना चोटी का भगवान का सत्संग मिले, इतना चोटी का ज्ञान मिले, और फिर हम अपनी खुशी का सहारा ले, इसका मतलब हमारा मन पूर्ण भगवान से रस नहीं ले रहा।
अगर कुत्ता आपके घर की रोटियां खा के पड़ोसी के पास गया, जिसका मतलब आपने भर पेट भोजन नहीं दिया, हाँ, फिर इसका मतलब आपने भगवान से भर पेट भर मन खुशी नहीं ली, भर पेट तो नहीं बोलूंगा ना, भर मन खुशी नहीं ली या मन भर खुशी नहीं ली, तभी तो आपका मन का कुत्ता कहीं और गया खुशी मनाने के लिए या खुशी की रोटी लेने के लिए। बिल्कुल बाबा, इट इज मोस्ट क्लियर, इट इज मोस्ट क्लियर। कुत्ता क्यों गया हमारे घर की 6 रोटियां खा के? शायद उसे 2 फुलके और चाहिए थे। फिर आपके घर में बैठ जाता, पूछ हिलाता, कहता थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मुझे रजा दिया, रब आपको रजाए, आपने मुझे रजा दिया, रब आपको रजाए। तो दुआएं भी देता है, इसलिए कुत्ते को दरवेश कहती है, दरवेश मैंने ब्रह्म ज्ञानी, दरवेश मैंने महात्मा, कहते आपने मुझे रजाया, भगवान आपको रजा दे। तो अगर दूसरे घर में गया तो अपने उसके पेट भर भर रोटी नहीं दी। अगर खुशी के लिए, मैं आखिर में कह रहा हूं, हमारा मन किसी और का मुंह देखता है, इसके मतलब हमने पूरी भक्ति नहीं की और भगवान का पूरा सहारा नहीं लिया। और महाराज जी क्या कह रही हैं, जो मिल जाए लेकर वही चादर, जो मिल जाए लेकर वही चादर, जो मिल जाए, प्रिय प्रिय सुख दुख जो मिल जाए लेकर वही, भगवान आपकी अवस्था बनाए, मेरा सुनाना सफल हो, आपका रोज इतनी श्रद्धा प्रेम पूर्वक या तशरीफ लाना सफल हो, आपका यहां पधारना सफल हो। मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, ये आखिरी स्टेज है, इसके ले लो, जल्दी पकड़ लो, सहारा किसी का ना ले एक पल, दुनिया चलायमान है, नाशवान है, या ना ही सहारा ले तो लियाकत की बात है, वरना हमें फिर गर्भ में आना पड़ेगा। अगर हमने टूटने वाली प्राणी पदार्थों का सहारा ले लिया तो मेरे शब्दों की कदर करना, वो मेरे भगवान के इस गुण की कदर करना, और भक्ते भक्तों के नक्शे कदम पर बढ़ते जा रहे हो, कदर करना, कदर करना, इस समय की कदर करना। भगवान ने आपको मौका दिया, उनके इस स्वर्ण अवसर का भी पूरा लाभ इसी रूप में उठाना, वरना नारियों को कौन देता है मौका आजकल के जमाने में, इतनी दूर भेज दे, वाह, शादी के बाद भी कोई घर वाला ने ठेका ले रखा थोड़ी पाठशाला में आने का, ये तो पाठशाला है, और ये परमार्थ की पाठशाला है, ओ मेरा रब्बा, ये परमार्थ बनाने की पाठशाला, ये परलोक की पाठशाला है। आपको पता है वो जो पाठशाला थी वो लोक की पाठशाला थी, लोक के कॉलेज थे, ये परलोक का कॉलेज है। ओ बाबा जी, अब समझ आ रही है, ये हमारे परमार्थ का परमार्थ की पाठशाला, ये हमारे परलोक की पाठशाला, वो लोक की पाठशाला खत्म हुई भगवान की कृपा कि ये परलोक की पाठशाला मिली है। ये तो भगवान ने 6 अध्याय में और कहा था कि मरने के बाद वो जाए उस पवित्र मकाम, वहां पाठशाला में जाएगा, तो यहां तो रब ने हमें यही दे दिया है। ये तो ऊपर के लोकों में कहा है कि ऊपर के लोकों में जाकर, सिद्ध लोकों में जाकर, सिद्ध पुरुषों की संगत करके वो अपनी साधना पूरी करेगा। सिद्ध पढ़ो 6 अध्याय, जो योग भ्रष्ट होती है वो ऊपर जाके सिद्ध पुरुषों के पास करें, तो भगवान ने आपको यहां दे दिया कि यही पूरा कर लो, आगे को धक्के खाएं, आगे को सिद्धों के पास जाए, शायद कोई मेरी तरह प्यार से ना समझाए, इतना वक्त ना दे या इतना समय ना देना पड़े उसको, तो जाओ तो मैं तो पूर्ण पे, वो पूर्ण पे आपके लिए नहीं होंगे, वो पूर्ण पे औरों को भी तो करें सिद्ध लोगों के, जैसे मैंने पढ़ा है, तो मैं तो पूर्ण पे आपके लिए हूं, पूर्ण रूपये सिद्ध लोक में पूर्ण पे आपके लिए नहीं होगा, और भी रूहें गई होंगी, और भी सूक्ष्म शरीर गए होंगे, तो यही क्यों ना मन को कहे कि मन में यही पूरी कर ले, यही हम इसे पूरा कर ले अपने आप को, परफेक्ट, जो मिल जाए लेकर, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो। इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।